नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24। आगरा फर्जी रजिस्ट्री कांड में पुलिस का तीसरा खुलासा। ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की खास रिपोर्ट। 42,30,000 रुपए बरामद। अब तक 70,70,000 कैश बरामद। 80,00,000 अकाउंट में किए गए सीज। अमित गर्ग की निशानदेही पर रकम की बरामद। अमन गर्ग को पुलिस ने लिया था रिमांड पर। मामले में 6 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र का मामला है। एतमादपुर में जो एक जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी रजिस्ट्री की गई थी और उसके गिरोह का आगरा पुलिस ने पिछले सप्ताह पर्दाफाश किया था। उस वक्त जो है वो 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से लगभग 28,00,000 रुपए की रिकवरी हुई थी। उन्हीं में से जो एक मुख्य अभियुक्त और इस पूरे प्लान को साजिश करने वाला जो था अमित गर्ग, जो इसका मास्टरमाइंड था, उसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया और माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उसको जब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया तो उसके कब्जे से, उसकी निशानदेही से आज पुलिस ने 42,30,000 रुपये की रिकवरी की है। तो अब इस मामले में अब तक लगभग जो है वो 70,00,000 से अधिक की रिकवरी हो चुकी है और पुलिस ने जैसे ही मामला संज्ञान में आया था लगभग 80,00,000 रुपए जो विभिन्न अकाउंट्स में जो थे उनको फ्रीज करवा दिया गया है। तो अब तक लगभग जो है वो 1,50,00,000 रुपए अकाउंट्स में फ्रीज और बरामद किए जा चुके हैं और बाकी की आगे की कार्रवाई इसमें पुलिस जारी है।